नमस्कार दोस्तों, ईपीएफओ की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज यहां पर सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों, जिन अंशधारकों का अगर उनका आधार अपने पीएफ से लिंक नहीं है तो उनको कुछ सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा, कुछ सुविधाएं वो लाभ नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, वो कौन सी चीज़ें हैं, चलिए इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी जो है क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों, ईपीएफओ की तरफ से कहा गया है कि जिन अंशधारकों का आधार उनके यूएन से लिंक नहीं है तो वो जो है कुछ काम नहीं कर पाएंगे, जैसा कि एडवांस पीएफ निकालना हुआ या तो फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना हुआ, तो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, और एक चीज़, जिन लोगों का आधार अपने यूएन से लिंक नहीं होगा उन खाताधारकों का तो ब्यौरा ही नहीं दिखेगा सिस्टम में, अब ऐसा कर दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप में से भी कोई ऐसे हैं जिन्होंने अपने आधार को अपने यूएन नंबर से लिंक नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए। और ईपीएफओ इसके लिए एक महीने का समय दिया है और कई सारे एम्प्लॉयर्स को इसकी नोटिस भी जारी की जा रही है ताकि वो जल्दी से जल्दी इस चीज़ को कर लें। तो भाई, आपके पास सितंबर महीने भर का समय है। अगर आपके पास यूएन नंबर है और आप एक पीएफ खाता धारक हैं तो अपने आधार को अपने यूएन से लिंक कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। अब दोस्तों, चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आधार को यूएन से लिंक कैसे करना है। तो आपको सिंपली जो है epfindia.gov.in पर जाना है और वहाँ पर आपको ईकेवाईसी पोर्टल का एक लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आधार लिंक यूएन का एक ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करने में, तो उस पर जाएंगे तो आपको अपने सारी डिटेल्स डालनी है, यूएन नंबर, अपना आधार नंबर वगैरह, और वहाँ से आप अपना आधार को अपने यूएन से लिंक कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसके दो फायदे हैं। एक तो भाई, आपको किसी भी तरह की रुकावट नहीं आएगी, सारे ऑनलाइन सर्विसेज आप जो है कर सकते हैं। और दोस्तों, दूसरा चीज़, अगर मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर आपकी आधार केवाईसी अप्रूव नहीं कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लिंक कर देते हैं तो डायरेक्टली आपकी आधार वहां पर वेरीफाइड हो जाएगी। तो भले ही उसके बाद आपका एम्प्लॉयर आपकी आधार अप्रूव करे या फिर ना करे, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि आधार को यूएन से लिंक करने के लिए कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं। तो सबसे पहला, आपका यूएन नंबर एक्टिवेट होना चाहिए। उसके बाद आपके यूएन में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। और तीसरी बात, आपके पीएफ डिटेल और आधार डिटेल में एक बराबर नाम, जन्म तारीख और जेंडर होना चाहिए। और आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी चालू होना चाहिए। अगर आपके आधार में या तो फिर आपके पीएफ डिटेल में कुछ गलत है तो आप उसे सुधरवा लीजिए और उसके बाद अपने आधार को पीएफ से लिंक कर लीजिए। तो दोस्तों, ये थी ईपीएफओ की तरफ से एक बड़ी न्यूज़ जिसे मुझे आपको बताना था। तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए और पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।